हिम्मत असेल ना तर हप्ते काळी बंद करून टाकता हप्ते या मुसलमानांना त्रास द्यायला तुम्ही करता या मुसलमानांना त्रास द्यायला तुम्ही करता त्यांची 10वीची परीक्षा चालू आहे 12वीची परीक्षा चालू आहे हेलो 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 बराबर अंदर जाने का सीधा टूटा हुआ है ना ये खराब पहले वर्ती वर्ती लगवा
नीचे बता नहीं रहा और ये मेरा बच्चा ये भाई का लड़का है 14 में पढ़ा है। अच्छा उसको भी लेके गए? हाँ उसको भी लेके गए। उसका भी एग्जाम था ना? वो एग्जाम हो गया उसका, अभी क्या प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं ना वो उसका चालू है। अच्छा। में जय पाटिल में पढ़ रहा है। मेरे आदमी को भतीज के अंदर से लेके धक्का दे दे के लेके आए बगैर बनियान से। मैं बोली बनियान पहनेंगे बाहर आएंगे बगैर कपड़े से आएंगे नहीं? तो बोले नहीं नहीं। मैं बोली क्यों नहीं, क्या छोड़े गए क्या? तो बोले नहीं आदमवादी घुसे करके आए। बोला आदमवादी हमारे घर में क्यों घुसेंगे? बोलते टिकट करने के लिए लेके जा रहे हैं लेके ड्रामा भी तीन बार मेरे दो लड़के आ रहे हैं। मेरा आदमी ये मेरा आदमी ये खाली लुंगी पे तो लेके आए बिल्डिंग का नाम क्या अकबर अपार्टमेंट बीवी हकमत पास। ये रूम नंबर कितना है? 103। नाम क्या आपका? जमीला मुनकेकर। मुंडेकर मुनकेकर। कौन कौन था जब आप रात में आए तभी आपके घर में आपने साथ कौन कौन था? मेरे दो बंदी है, मेरी बेटी है। लड़की लोग ही थे सर? हाँ, और हम लोग लेडीज थे और तीन आदमी जेंट्स। दो बेटे लोग मेरे और एक मेरे आदमी सोए नहीं थे वो इसमें साबुतिक में और वॉचमैन का काम करते हैं। वो काम पर जाके सो गए थे और ये लोग आए 1:30 बजे धड़ाधड़ दरवाजा खोलो नहीं तो दरवाजा काट डालेंगे। चेतन ऐसा खेच लिया ये दरवाजे नहीं खोल रहे थे करके पुलिस से हम लोग खोलो तो हम लोग खोले खोलते था तो मेरे बेटे को वैसे कॉलर पकड़ के मम्मी क्या हमारी गलती है बता दो हम लोग क्या गुनाह किए वो बता दो तो फिर हमारे उन लोग को बता दो। तो बोले वो उधर पुलिस चौकी में मालूम करता अभी हम लोग लेकर जा रहे हैं तहसील करेंगे और 9 बजे छोड़ेंगे। इसके लिए हम लोग नीचे सब आ गए तो उधर के हमारे बच्चे को खुले के आदमी तो मैंने तो समझे तो उधर भागे। फिर वहाँ पुलिस चौकी में गए तो हम लोग बोले क्या बात है कितने को भगाने लगे। बोले नहीं जब तक हमारे आदमी लोग को लेके आए वैसे छोड़ेंगे नहीं तो हम लोग नहीं। फिर वही पुलिस आए उधर को नेता लोग थे उन लोग हंगामा करे हम लोग भी करे तो हम लोग के बच्चे लोग और हम लोग को छोड़े। तो मैंने जैसा हम लोग को पुलिस के गाड़ी में लेके आए हमारे आदमी लोग और हमको वैसे ही लेके चले लाके इधर अपने गेट पे ही छोड़े अंदर नहीं छोड़े थे। मैंने जिस जगह से उठाए ना उसी जगह पे छोड़ा हूँ तो मैं वहीं छोड़े और चले गए। क्या दरवाजा ठोके और जैसे खोले आप भी देखे? हाँ मैं भी था। क्या हुआ था रात को? अरे रात को मैं इधर सोया हुआ था तो वही 1:45 बजे पुलिस को आया दरवाजा एकदम से जोर से चेक करने लगे। उसके बाद में दरवाजा खोला तो बोले चलो बाहर जाने का है तो पुलिस चौकी जाने का। बोला क्यों? तो बोला कि ऐसे इंक्वायरी के लिए। तो बोला ठीक है तो कपड़े तो पहने ना तो मैं चड्डे में था। बोलता ऐसे ही चलो तो मैं शर्ट पहना और फिर डायरेक्ट घर में जेंट्स अंदर घुस गए और डायरेक्ट जूते पहन के ऐसे दारू पी के सब लोग दारू बाहर सारी थी और घर में घुस गए पूरा बेडरूम में। और मेरे अब्बू को भी उठाया बोलते लुंगी में ऐसे ही चलो बनियान का और लुंगी के सबको ऐसे लेके गए बिना कुछ और मराठी में गाली भी दे रहे थे कुछ बोल रहे भी नहीं थे वैसा एकदम क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे थे उनको ऐसा धक्का मार मार के लेके जाते जब लेके जा रहे थे। क्या हुआ था आपका? घुसे डायरी पहले इधर है कुछ कौन लेगा कौन लेगा मेरे बेटा है अंदर कौन है अंदर कौन मेरे बेटा है अभी डायरी अंदर घुस गए उसको पकड़ के लेके आए फिर आदमी को उठाए दोनों को लेके गए। मैं बोली क्या हुआ हम लोग कहीं चोर निकले क्या तुम खुद डायरेक्ट घुस रहे? बोले कुछ भी नहीं कुछ पता करेंगे छोड़ देंगे। फिर ये गेट लगा था ये गेट पकड़ लिया था।
दरवाजा तोड़े हो? हाँ आज मेरे काम की छुट्टी हो गई, रात भर मैं सोया नहीं और आज काम पे नहीं गया मैं। मेरे काम की छुट्टी जुनेद मुंगे कर रात भर उधर सुबह 5 बजे हम लोग आए घर पे। अभी फिर सुबह जॉब पे कैसे जाएंगे आदमी रात भर? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ लोधा में। मैं थाना ब्रांच हूँ। अभी बेटा सोया था रे भाई, कोई डायरेक्ट ऐसा कॉलर पकड़ के खींच के लेके आ रहे। मैं बोला क्या, कभी हम लोग चौकी का मुंह नहीं देखे और ऐसा करके लेके गए। हम लोग ऐसे है ही नहीं। पूरा हम लोग के बिल्डिंग में किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और कभी झगड़ा लफड़ा भी हम लोग किसी के रहते हैं, हम अपना काम से अपना घर रहते हैं। वही कभी पुलिस जल्दी चढ़ी नहीं हम लोग के बिल्डिंग में। पूछ रहे थे कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या क्या साइकिल लेके आ रहे। डायरेक्ट बोले चल जितना जैन से बाहर निकल। इतना जोर से दरवाजा ठोक रहे रात में 2 बजे। और डायरेक्ट पूरे जैन जितने भी पुलिस थे सब अंदर घुस रहे, बेडरूम तक गए हम लोग के। लेडीज को भेजते, लेडीज पुलिस कांस्टेबल को भेजते अंदर तक, ठीक है। बाथरूम में देख रहे, टॉयलेट में देख रहे, पूछे कि ये रहता नहीं। हम लोग बताना चाहिए ना उन लोग ने कि भाई हम लोग क्या, ये वारंट है तुम चलो। सबके सबको निश्चा भर के लेके आ रहे। एक लड़का इनको अकेले घर में घुसे उन लोग और एक लड़की इनकी, इन लोग अंदर आए, जेंट्स लोग अंदर गए, ये अकेले लेडीज घर पे रहे। तबस्सुम तीन माले पे तबस्सुम दाल वाला मेरे घर में भी है, पूरा अंदर उठा के देख रहे। बच्चों का नंबर क्या है? 304। कौन कौन से आपके रूम में? मेरे पास एक लड़का लड़की दो ही पढ़ रहे, दोनों पढ़ रहे हैं। कौन लड़का? क्या नाम उसका? मोहसिन। उसको भी उठा के लेके जी आर पाटिल में हो। टेन का नाम रुमाना। रुमाना अभी काम देने गई। और ये टेंशन में कैसा पेपर दी होगी? वही तो रात रात में बात करने को तैयार नहीं है। मैं कोई नहीं मत इधर, वो जाने के लिए खाली इसके लिए बात करने को तैयार नहीं। मैं कर रहा है ऐसा ठोक के दरवाजा तो दे दो दिन तक ठोक रहे थे हम लोग। इस बात का इंसाफ मांगते हैं, रात में ऐसा कभी भी उठा के लेके जाएंगे हम लोग। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं ऐसा, तो कभी किसको भी कुछ भी उठा के लेके जाएंगे। ऐसा थोड़ी पुलिस है तो कुछ भी करेंगे। हम लोग भी तो आम आदमी है, शरीफ आदमी लोग को उठा के लेके जाएंगे ऐसा। और कुछ भी केस ठोकेंगे फिर ताला तोड़ देंगे, बोले दरवाजा तोड़ देंगे, बोले बोल रहे थे। और कटर लेके आते इतना बड़ा हम लोग ने वीडियो भी निकाला, हमारे पास वीडियो भी है, हम वीडियो भी सेंड करेंगे। पुलिस वाला कैसा घर में घुस रहे, मेरे पास वीडियो है, मैं बताऊंगा सबको। हम लोग ऊपर के ऊपर तक जाएंगे, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए इस बात का। आज अगर चुप बैठेंगे, आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी होगा। ऐसा हमेशा पुलिस आते रहेगी, फिर बदनामी ऐसे ही। इसी वजह से मुमरा का नाम बदनाम कर रहे हैं सब। मौलाना है ना, अभी हमारे आदमी लोग रिक्शा चला रहे हैं। अभी कुछ भी आधे रास्ते में, कुछ भी आधे रात में क्या क्या हुआ क्या था मौलाना? अब कुछ बताए नहीं ना, खाली लेके गए डायरेक्ट। हाँ, आप सोए हुए थे? हाँ, मैं सोया था। डायरेक्ट दरवाजा बोले खोलो। हाँ। खोल दिया। हाँ। बोले ऐसे जोर कपड़े पहने हुए। मैं बोला कपड़ा तो पहने दो। हाँ। फिर बोले घर में कौन रहता? मैं बोला मेरा बेटा है। हाँ। डायरेक्ट घुस। हाँ। कि मैं बताएंगे क्या है। हाँ। अब वहाँ गए जब तो हमको बाहर बैठा दिए। अच्छा। लड़के को बोले अंदर चलो। हाँ। बोले आप जा सकते हो। हाँ। बोला मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा जाएगा तो जाऊंगा। हाँ। जब तक नेता लोग पहुंचे। हाँ। नेता लोग अपनी बात करने लगे, भाई अब तुम जाने। हाँ। लेकिन कसूर क्या है हम लोग को जानना चाहते हैं। हाँ। हम लोग क्या कसूर है? हाँ। जो हम लोग को लेके गए, इसके लिए अभी हम लोग आगे तक कुछ करने वाले हैं। सपोर्ट करेंगे। रात को उन्होंने कौन पुलिस वाले? अच्छा।
क्या क्या कुछ बदतमीजी मिल रही है आप बेहोश हो गए थे आप बेहोश हो गए थे पेशेंट्स वगैरह क्या हो गया बाथरूम में खोल कर पेशाब करे बेटा तो कैसे दरवाजा खोलो बोले क्या हुआ पुलिस आई है जल्दी बोले दरवाजा तोड़ देगा क्या हुआ बच्चे को लेके सुबह नीचे कल मैं सो रहा था ठीक कर रहा था तो अरे सर आए सर आगे ठोके बोले चल कौन सर पता नहीं सर का नाम नहीं वाले पुलिस थे तो आए और मैंने ट्रिपल पहना था बोले पैंट पहन ले तो मैं बोला ठीक है सर मैं पहन के आता हूँ तो पकड़े में हुआ मैंने उनसे कहा कि मतलब मेरा 10 का सर पेपर है तो बोले चल अभी पुलिस चौकी में बात करेंगे तो बोले हॉल टिकट तेरी ले ले सर से बात करेंगे तो सर से बात मतलब नीचे हो गई थी मेरी वो उन्होंने हॉल टिकट लिया और बोला कि काम कर तू बैठ जा तो बैठ गया मैं फिर पुलिस चौकी से जब अवार्ड सर आए तो अवार्ड सर ने हम लोग को ठीक आया हाँ ऑपरेट किया भाई था मेरा और मम्मी थे भाभी थे बहन थी मेरी सिस्टर थी उन लोगों को जरा भी तमीज नहीं थी सर आए और मतलब घुस के अभी कैसे सोते कैसे नहीं सोते बता दिया थोड़ा और एक एक भी कॉन्स्टेबल नहीं थी लेडीज लेडीज कॉन्स्टेबल एक भी नहीं थी सब जेंट्स एक हाँ सब जेंट्स और सब पीके थे ठीक है सब पिए थे सर सब पिए थे टोटल ही बात आ गई टोटल के मुझे बात आ गई सर तो भी बोल रहे मैं बोली ना क्या हुआ इतने कितने बजे 2 बजे बजे डरो मैं 2 बजे मेरे क्या हुआ वो बता तो सर और एक नीचे ना सर नीचे रोड पे जा रहे ना सर जब सलियन पीट रहे बोलते जागते रहो रहे साले लोग जागते रहो हम लोग आए ऐसा रोड पे दर्शन करते हुए जा रहे और सलियन पीट रहे मेरा रोड पर है अरे नहीं रोड पे है चलो सबको कॉम्बिंग चालू थी ना तो जब गाड़ी से आ रहे जा रहे क्या बोल रहे थे जागते रहो रहे सारे लोग जागते रहो पुलिस वाले बोलते हुए जा रहे थे रोड पे सलिया पीटते हुए और उनके पास पूरे औजार थे ताले तोड़ने के लेके सब कुछ बड़े बड़े सलिए थे हथौड़ी वाले के हाथ में थे लेके घूम रहे थे पुलिस वाले हथौड़ी पाने साथ में लेके घूम रहे ये आग से देखे हम लोग का रोड पर है तो वो पीटते हुए जा रहे और सबको देख रहे तीसरे वाले भी चौथे वाले भी देख रहे कोई खिड़की में से झांक रहा है 20 मिनट के बाद बिल्डिंग में तो उसको उतार के लेकर आए देख रहे खिड़की में से कोई दिखे उसको उतार के लेकर आए हम लोग अपने आग से देखे और तो पुलिस वाले डंडे से मार के उठाया 6-8 साल के बच्चों लोग वो जो गाली देते हुए उठाया वो लोग का तरीका है आप लोग चलो वहाँ पे होएगा जो होएगा ये भी नहीं कि जहाँ चलो कपड़ा पहन लो वहाँ बुला रहे या पूछताछ कि हाँ भाई फल आदमी को हमने ढूंढना है फल आदमी हमको चाहिए कुछ नहीं आने पर चलो 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 जितने लोग लेके गए उन लोग पुलिस वाले अगर उसमें से एक दो क्रिमिनल को निकाले होते हैं तो हमको तसल्ली होती है कि पुलिस हमारी सेवा के लिए बैठी है अगर वो लोगों को निकालते तो हमको तसल्ली होती चलो हमको लेके हमारा टाइम बर्बाद हुआ लेकिन पुलिस का काम मेरी जानकारी किसी का भी एक भी रिकॉर्ड नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई केस हो छोटा मोटा चमाट मारा हो किसी को मेरे को खुद चौकी में लेके थे मेरे अब्बा को लेके गए थे और मेरे अब्बा ने गेट में ताला लगा था इसके लिए डायरेक्ट उन लोग नहीं घुसे जैसे खुले उन लोग डायरेक्ट बेडरूम में आए
कौन सा रूम का ये डायलेक्ट बेडरूम में गया लूज पहन के बेडरूम में गए थे बिल्डिंग का नाम शटर खोले अपा लुंगी में देर चलने बोल रहे थे अपा बोले मैं चलूंगा अपा ने लुंगी और पहने उसके बाद कुछ नहीं चलो चलो जल्दी जल्दी चलो और कटर हिला रहे थे यानी तो जैसे तोड़ेंगे और चप्पल भी लेके रखे थे क्या लगे चप्पल चप्पल जो जमीन ऑफिसर था वो बोलता इसमें से 20-25 तो चोर निकलना चाहिए अरे बाप निकलना चाहिए वाला कौन सा सेंटेंस है ये होता है कि हम इंक्वायरी कर रहे देखने के लिए बुलाए तो अलग बात 20-25 चोर निकलना चाहिए यानी तुम्हारे लिए चोर बन जाए यानी तुम्हारी इंक्वायरी के लिए ताकि तुम्हारा कोटा पूरा हो जाए यानी अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं होता माँ बहन हमारी नहीं आई होती तो जो लोगों के पास प्रूफ नहीं था उनको तो चोर बना के डाल दिया होता 20-25 का आंकड़ा जो उन्होंने सोचे थे वो पूरा कर दिया होता उन्होंने कोई ये सवाल होता 20-25 निकलना चाहिए क्या नाम तुम्हारा तसव्वुर हुसैन तसव्वुर हुसैन कोई भी एंगल से 302 है ना 301 302 ये वाला 302 उनका फाइल वेल सब दिखाया फिर भी उनको नहीं छोड़ लिया नहीं छोड़ उन लोगों शक्ल से नहीं वहां जाने के बाद बोलते स्नैचिंग का केस का मामला है कि चेन घसीटते उतने बड़े शक्ल से पता चल नहीं चलता कि वो आदमी जाके चेन घसीटेगा सिक्योरिटी है उसको कहना चाहिए कि तुम्हारे बिल्डिंग में कौन क्या प्रूफ वाला है उसको चेन घसीटने का दिखता नहीं कि कौन आदमी चेन घसीटेगा अगर मान लो कोई बोलता है वहाँ पे नया साहब आया है तो पुरानी फाइलें काहे के लिए रहती है अभी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए कोई बंदा जाता है तो 10 साल पुराना बताएंगे फला आदमी से तुम्हारा झगड़ा हुआ था तब तुम फाइल निकाल लेते हो पासपोर्ट के लिए कि 10 साल पहले तुमने झगड़ा किए थे जो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है यार उनके घरों पे जाओ तुम उनको इंक्वायरी में ले जाके पूछो कि फला केस हुआ तुमने वो कांड किया कि नहीं किया तुम आम आदमी को जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसने कभी चौकी का मुंह देखा नहीं उसको तुम ले जाके खड़ा कर रहे कितने थे टोटल सब लोग 150 वो भी आधे खड़े आधे बैठे हुए हम लोग इंक्वायरी है आप लोग कपड़ा पहने या कौन किस हालत में टाइम दे दादी निकलो जैसे कि एकदम चोर चमार बैठे यहाँ पे निकलो चोर लोग को भी इतनी बेइज्जती से नहीं लिया जाया जाता है जिस तरीके से लोगों को ले गया है यहाँ और नहीं निकलो तो ताला बोलते हैं जा रहा है इसका कटर हिलाया जा रहा है दो दरवाजे तोड़े नीचे का एक ताला तोड़ा और एक का बिल्डिंग में आप 103 में ना दरवाजे में मिट्टी मिट्टी सब गिर गई इतना गिरा थोड़ा और पहले से तो 2-3 जगह छोड़े लेकिन ये घर का तोड़ा एक हमारे दरवाजा बंद था ताला तोड़ के बंद है ताला लगा हुआ है उसको तोड़ के साइड में ये देखो इधर इधर ये क्या मारे क्या मारे हाथ से हाथ से मार रहे क्या मारे लकड़ी थे वो लोग बताइए ना सर क्या टूटा ये और ये कड़ी टूट गई कड़ी टूट गई और लोग को मार के उठाया था बच्चे लोग किसी के घरे में गुस्सा था कोई चप्पल था हथौड़ी थी और पाने थे कटर 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 था कटर बड़ा कटर था कटर कटर था ताला और ये चेन जूता के साथ का अंदर घुस गया तीन बार किया ये अभी तीसरा बार मस्जिद में मस्जिद में कसम खुदा का मैं जूता के ऊपर घुस गया कौन से मस्जिद अजा खान है अबू तालिब अबू तालिब ऐसे कर लो कल औरतों का हाथ का शेर किस्ट पुलिस कल का बात बता रहे रात के भी कल रात के भी ऐसा ही हुआ बहुत हो गया इसका चेंज जब औरतें मिलेंगी अभी
हम लोगों ने कैसा किया लेकिन कोई कुछ हुआ फ्रेंड उठा के ले गया, वो लोग मना कर रहे थे, बोला चलो इसके लिए चेन गया है उसे देख लेते तीन जन आदमी, मैं आयुब भाई अकबर है, तीन आदमी थे खाली, बाकी सब तो लेडीज थे। क्या चलने का नाम? सब लेडीज थी, आप लोग को बोला भरो गाड़ी में, फिर भी फॉर्च्यूनर खाली गई, दो गाड़ी खाली गई, तीन रिक्शा गई, तीन रिक्शा लोग हमारे छोटा बच्ची जो स्कूल पढ़ते वो गाड़ी दो भेजे तो हमने बोले सब लेडीज को आ जाओ, फजल खान ना अफजल हुसैन, अफजल हुसैन ये देखो दसवीं का बच्चा हम लोग नहीं गया था पार्टी में, अब याद आया बीमार हुआ है तो मुख्यमंत्री के पार्टी में गया था, अब पार्टी में आए थे इकबाल भाई, ये भी दसवीं का स्टूडेंट है, इसको भी लेके दसवीं का स्टूडेंट है, इसको घर से उठा के लेके शक्ति 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 भी है, वही आगे आगे था, सबसे आगे वही था, सबसे आगे शक्ति था, शक्ति घर बता रहा था वो बिल्डिंग वाला, हाँ ये करो ये कौन है बिल्डिंग का एड्रेस बोलना पड़ेगा, कौन सा विंग, बी विंग, रूम नंबर, रूम नंबर दो, हिल व्यू रूम नंबर दो ग्राउंड फ्लोर, गया था इसके बोल देने कौन सा पेपर था, ज्योमेट्री मैच से हुई ना सबका, वही स्कूल में पढ़ दे, चार पांच बिल्डिंग को खाली करके सब आदमी को ले गया, सात सात बिल्डिंग और मखदूमी को लेके ग्यारह, सात बिल्डिंग के नाम है आपको, ग्यारह बिल्डिंग के नाम दिया मैंने, ग्यारह मखदूमी को उठाया, पूरे ग्यारह के नाम दिया, पूरे ग्यारह के नाम दिया, रात पांच बजे दे दिया था सुबह में, रिक्शा वाले को पैसेंजर के साथ लेके चले गए, नली टूट गई उसकी, रिक्शा वाले की खड़ी करवा दी और पैसेंजर के साथ में लेके चले गए, नली टूट गई पैर की, उसको इतना मारे जो मारे थे ना उधर मालूम पड़ा कि नली टूट चुकी है, क्या मारे नली टूट गई, नली टूट गई बटला था चल नहीं पा रहा था, बाजे मालूम पड़ा कि नली टूट गई, इतना मारे सस्पेंड, सीधा सस्पेंड कार्रवाई की, बोले ना निकलने को, बोले ना निकलना, बताया बेडरूम में, हाँ बेडरूम में घुस के गाड़ी हम लोग गिने ना किधर किधर की, राजू के ऑफिस किधर रखे थे दो गाड़ी, भाई घर में कितने लोग गए थे, बात रखे थे दो गाड़ी, कितने बड़े थे, तीन सुमो थी, दो एसीबी की गाड़ी, बाथरूम भी किसका आपका घर है, नहीं अरे भाई मतलब बंद करके इतना दादागिरी चोर आदमी खा लेते हैं, ये तो चोर का हिसाब हो गया ना, ना तोड़ना ना बोले तो चोर है, चोर लोग का काम है सब, वो रूम वाली इधर रहती थी मुंबई में रहती है, घर घर है ना।
आप लोग सो रहे थे अंदर? हाँ, अंदर बुला के बोलो ना, वो करेंगे ना, निकले कैसे अभी बाहर? भाई बोलो, इनको हैरेसमेंट हो रहा है, जो कॉमन पब्लिक को जो जो मतलब नहीं होता ना कि कौन वांटेड है कौन नहीं वांटेड है, पढ़ाई करेंगे क्या करेंगे पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, क्या क्या मुमरा में आपने कितना किया कुमला भोजन इस तरह आपको कितने बोले वहाँ पे आतंकवादी पकड़ा गया क्या? नहीं वहाँ का तत्व क्या आप कहाँ गए थे? अरे यार भाई ना किस आप Thank you.
अरे बिजली साहब, मैं बोलता हूँ रात में 2:30 बजे साहब उधर पूरा एकदम ऐसा माहौल बना दिया आपने साहब। आप दिन में भी कर सकते हो, दिन में करो ना बॉस, रात में 2:30 बजे दरवाजे तोड़ के बाथरूम तक जाने का, महिलाएं अंदर कुछ लोग उसमें बीमार हुए, हजार 2000 रुपये घड़ी मानस आम शिकार कशाला अटक के लिए
काय संबंध करायचा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला मी तुम्हाला दाखवतो कुठ्या कुठं रंडी बाजीचे हट्टे दाखव चालू आता मुसलमानांना त्रास द्यायला तुम्ही करता त्यांची दहावीची परीक्षा चालू आहे बारावीची परीक्षा चालू आहे विद्यालयाची सुपारी घेता तुम्ही सुपारी पाच वर्षात एकदा रेडण्या झाली एकदा रेडल्या मुंबईमध्ये शेवटचं जर अशी मस्ती केली हिम्मत असेल ना तर हप्ते काळी बंद करून टाकता हप्ते जीवन आम्हाला माहिती होतं सुपारी बाज सुपारी आहे तुमची कवीला आणतात तुम्ही कवी काय टॅलिशन Thank you.
पहले साहब के पास नहीं जाऊँगा। अभी सारी मस्जिदों में ऐलान। अरे उबैद की तबीयत खराब हो गई। उबैद की कहाँ है? उबैद की तबीयत खराब हो गई तो उसको हम लोग बोल रहे कि उबैद पत्रकार है, उबैद आमदार का बेटा है। बोले वेरीफाई हुआ। ये मैं तो था ना, मैं तो था ना। क्या चलो हो क्या? क्या लिस्ट हमको चाहिए? रिटर्न नहीं मिल जाएगा क्या? हमको चाहिए। हमारे साथ बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। चलो आप बाहर चलो, आपको बाहर चलो। माजी माजी राजीनामा टाकायला कमी नाही करणार, पण वाट लावून टाकेल।
तुम्हारा ईरानी वस्ती कुठे माहित नाही आणि कोणी करायला चालू ईरानी बस्ती में गए तो एक भी ईरानी नहीं टाइप ईरानी बस्ती मालूम तो होना चाहिए जिंदगी गई रहती और दलाली का धंधा खाने में हम लोग को बात किया कि रात को जी, रात में जी, ऐसे लेडीज और सीनियर लोगों को लाना तो गलत है जी। तो उन्होंने कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन था जी। बूढ़े बीमार विद्यार्थी महिलाओं के साथ में और पत्रकारों और कवियों के साथ में भी एग्जाम भी था कुछ हाँ हाँ SSC का एग्जाम चल रहा है आप लोगों की आप प्रतिक्रिया इसके बारे में नहीं ऐसा रात को तो किसी को लाना तो तकलीफ की बात है आप लोग ऐसा तो नहीं करना चाहिए अगर आपको खबर है तो जाके उसी को पकड़ो अच्छा सबको बेमतलब का यहाँ लाना वो तो गलत है ना जी तकलीफ देना सीनियर लोगों को जी बच्चे लोगों को जिनकी एग्जाम है जी ये तो गलत चुनाव के उपलक्ष्य ये सब अलग हिसाब से समझा जा रहा है इसको लोगों के बीच में लेकिन ये तो अशांति फैल रही है पुलिस ने नहीं फैलानी चाहिए और के लिए ऑलरेडी ये मतलब पहले से प्लान था कि लोग आप ऑप्शन करें फिर इतना चिन्हित था आगे बढ़ाएंगे नहीं नहीं अभी मेरे को तो ऐसा फोन आया कि आज जो अपना कैंडिडेट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो यहाँ गया था इसके लिए वो उसके ये गया करके रिएक्शन है ऐसा भी कोई बोलते हैं साबित कौन क्या बोलेगा उसको तो अपन रोक नहीं सकते अभी देखो ये शांति का माहौल बनाए रखना सबका काम है यहाँ पर कानून व्यवस्था भी बिगड़नी नहीं चाहिए लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए राजकारण वो तो होते रहता है चुनाव आते रहते जाते रहते लेकिन किसी को तकलीफ हो ऐसी बात तो कोई हम लोग कभी सोचते नहीं अभी आपकी पार्टी की तरफ से कुछ करेंगे पुलिस ने जो किया नहीं SCP साहब को तो बोला मैंने कि आपको तो मतलब जो गुनहगार है उनको ठीक है वो जो क्रिमिनल है वो कोई भी हो कुछ भी हो लेकिन जो जिसका जो बेकसूर है उसको तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो अभी जो प्रॉब्लम हुआ पब्लिक को तो उसमें तो पुलिस का ये अचानक ऑपरेशन तो पब्लिक को जो त्रास हुआ है नहीं वो तो पुलिस के खिलाफ तो पूछा ना हम लोग ने सर पब्लिक को रात को इतनी रात को तकलीफ देना तो गलत है अरे सीनियर लोग है वरिष्ठ जो है हम लोग बात करेंगे इसके कमिश्नर से सर आज जिस तरह से आग भड़काई गई है खासतौर से सेक्युलरिज्म पर हमला समझा जा रहा है क्या क्या आपकी प्रतिक्रिया है सेक्युलरिज्म पर हमला नहीं है ना समझ पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है इसका नमूना पेश हो गया आज तक मुमरा में कभी ऐसा हुआ था नहीं कि SCP का ये ना समझे इसको मालूम नहीं कौन कहाँ रहता है जो पुलिस अफसर को एरिया की मालूम नहीं उसको SCP रहने का कोई अधिकार नहीं और मुझे तो लगता है ये शिवसेना की सुपारी थी क्योंकि आज तक मुमरा में कुछ हुआ और शिवसेना के नेता आए ऐसा कभी नहीं हुआ था ये हादसा होने के बाद 5 मिनट में शिवसेना के नेता यहाँ पहुँच जाते का मतलब और शिवसेना का संधान बना हुआ था मालूमात देता हूँ मैं अरेस्ट करवाता हूँ आप आइए ताकि मैं उनको छोड़ दूंगा ये साजिश के तहत किया गया हुआ हम इसके बाद ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इस 5 साल में आपके रहते हुए कभी नहीं हुआ था आज ये जिस तरह से भड़का अगर आप नहीं काबू करते लोकसभा का चुनाव सामने है जी। और शिवसेना के लिए काम करने वाला ऑफिसर है अमित काळे जी
उसने अपनी साजिश के तहत ये किया है। इसमें कोई और पुलिस अधिकारी नहीं है, जो जूनियर पुलिस अधिकारी है उनको मालूम भी नहीं दी गई थी कि जाने का कहाँ है जी। जी। और जिसको मालूम था उसको बाहर रखा गया है, जिसको एरिया की मालूम नहीं है ऐसे लोगों को लेके घुस गए। कवि और साहित्यकारों पर भी जो है बिल्कुल जो उनकी सुनवाई नहीं हुई, आमदार के पुत्र थे वो कहते रहे कि मैं आमदार का पुत्र हूँ, उनकी भी सुनवाई नहीं हुई, यानी क्या किस तरह की इनको जो है ना कार्रवाई होना चाहिए। नहीं है एरिया की मालूमत ही नहीं, और जब शिवसेना की सुपारी नहीं है तो माहौल खराब करने का ही काम। अच्छा, थैंक यू।